गुड मॉर्निंग एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। और बताइए कैसे आप सभी। आई होप आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे या मैं भी अच्छी हूँ। तो ये ब्लॉग जो है मेरा बुधवार का है, डेट था 31 जनवरी। तो ये मॉर्निंग का टाइम है, अभी टाइम हो रहा है सुबह के 6:30 बज रहा है, तभी से मैं अपना ब्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। तो मैं उठ गई, उठने बाद फ्रेश होने बाद गर्म पानी पी ली हूँ, उसके बाद मैं अब जा रही हूँ किचन। इधर देखिए अंश भी मेरे साथ उठ गया है, मैं उठी हूँ जस्ट कुछ देर बाद अंश भी उठ गया है। तो अंश भी उधर फ्रेश हो गया है, तो अंश को भी गर्म पानी दे दी हूँ पीने के लिए। और आज जो है ना काफ़ी ज़्यादा ठंड है, आज क्या मतलब कई दिनों से ठंड है। देखिए जनवरी ख़त्म होने वाला है, मतलब ख़त्म हो गया लेकिन ठंड जो है ख़त्म बिल्कुल भी नहीं हुआ है। मतलब हर बार की तुलना इस बार काफ़ी ज़्यादा ठंड है, और ठिठुरने वाली ठंड में भी मैं अपना सुबह 6:30 बजे से अपना मॉर्निंग रूटीन मेरा स्टार्ट हो जाता है। तो चलिए अब मैं किचन आ गई हूँ, तो अब मैं अंश का टिफ़िन का तैयारी कर रही हूँ। तो मेरा ही नहीं, हर मम्मी का भी सुबह का मॉर्निंग रूटीन स्टार्ट होता है, किचन से शुरू होता है। तो मैं अभी बना रही हूँ पालक पूरी। तो देखिए इधर पालक ले ली हूँ, और इसमें डाल दिए 2 हरी मिर्ची, 2 टुकड़ा अदरक, और 2-4 कलियाँ लहसुन की डालकर एक फाइन सा पेस्ट बना लेंगे। बस इसे आटा में, आटा साथ में गूंथ लेंगे। तो देखिए बच्चे जो है ना मतलब सब्जी ये भाजी उजी खाने में काफ़ी मतलब नोकझोंक करता है, अंश तो बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता है। पालक वगैरह तो बिल्कुल ही नहीं है, पालक का सब्जी मटर मतलब कोई भी तरह भी पालक का सब्जी बनाते हो बिल्कुल भी नहीं खाता है। तो इसलिए हमारे सोचे चलो अच्छा चालाकी किया जाए, तो इसलिए हम उसे पालक पूरी बना कर खिला रही हूँ। तो आज फर्स्ट टाइम बना रही हूँ, तो देखती हूँ खाता है कि नहीं इस तरह से। तो थोड़ा सा हम चालाकी करके आज उसको पालक खिलाने वाली हूँ। तो इधर देखिए ले लिए आटा, और इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नमक, अजवाइन और 2-4 चम्मच रिफाइंड ऑयल डालकर, ये पालक का पेस्ट डालकर आटा को गूंथ लेंगे। तो मांस का बात कर रही थी कि सब्जी मतलब सब्जी थोड़ा बहुत खा भी लेता है लेकिन पालक वालक बिल्कुल भी नहीं खाना चाहता। तो इसी तरह अगर बच्चों को अगर मतलब पालक वालक खिलाना है तो इस तरह से पालक पूरी बनाकर खिलाइए, इससे क्या होता है टेस्टी भी रहता है और हेल्दी भी एंड टेस्टी दोनों रहता है। हेल्थ भी अच्छा, हेल्थ के लिए भी अच्छा है और टेस्ट के लिए भी अच्छा रहता है, क्योंकि इसमें लहसुन अदरक मिर्ची पड़ा है। तो बाकी मैं काफ़ी अच्छा लग रहा था, मैं फ़र्स्ट टाइम बनाई हूँ तो इसमें काफ़ी अच्छा लग रहा था इसको साथ में, और सब्जी का भी कोई ज़रूरत नहीं पड़ा, इसमें सॉस चाय अचार के साथ में खाने में काफ़ी अच्छा लगा। तो अंश को इधर हम अभी 2 दे दिए थे खाने के लिए, बोला मम्मा काफ़ी अच्छा लग रहा है, क्या चीज़ का है पूरी, उसको नहीं बताया कि पालक डाला हुआ है, फिर बोलेगा नहीं खाएंगे, लेकिन खा लिया। फिर हम बता दिए जी हाँ पालक का है बेटा, तो मम्मा काफ़ी टेस्टी बन रहा है पालक, आप अक्सर बनाइएगा मुझे इसे दीजिएगा। तो अभी देखिए इधर अभी बस कुछ ही पूरी छानी हो, और जब हम लोग नाश्ता करेंगे उस टाइम हम लोग अपना गरम गरम छान लेंगे। तब मैं अंश को अभी दे देती हूँ टिफ़िन में। तो बस अभी मैं अंश को पूरी या टोमेटो केचप के साथ में दे रही हूँ, और कुछ सब्ज़ी वगैरह नहीं बना रही हूँ। और देखिए अगर अभी हम अगर पालक का भी मतलब ऐसे पराठा या पूरी बनाते हैं या पालक का कुछ सब्ज़ी बनाते हैं हमको घंटों टाइम लग जाता है। अभी यार झटपट से बन भी गया, ज़्यादा टाइम भी नहीं लगा। तो देखिए थोड़ा सा चला के काम किए, मतलब घंटों का काम मिनटों में हो गया, बस आधा घंटा लगा होगा। और रात में हम पालक को धोकर काटकर सब रख दिए थे, सारा तैयारी हम रात में करके रख दिए थे, बस थोड़ा पेस्ट बनाए, आटा गूंथ लिए, पूरी छान दिए। तो झटपट से मेरा नाश्ता जल्दी बन गया है, अभी लगभग अभी 7:30 बजता होगा, तो जल्दी से बन गया। और उसके बाद मैं अपना जो बाकी काम है मैं झटपट से निपटा लेती हूँ। तो अभी 7:30 बज रहा है, और अंश का स्कूल जो है 9 बजे से है। अभी ठंड जो है काफ़ी ज़्यादा ठंड हो रहा है, मतलब धूप तो हो ही नहीं रहा है, पूरा कोहरा भरा हुआ है। देखिए आप लोग बाहर से व्यू में देखिए, ये तो अभी मैं वीडियो में थोड़ा सा उजाला देख भी रहा है लेकिन रियल में जो है इतना नहीं है, पूरा कोहरा भरा। देखिए आप लोग बाहर का देखिए, बाहर से देखिए पूरा रोड सब में दिख रहा है, कुछ नहीं दिख रहा है, पूरा वाइट वाइट कोहरा भरा हुआ है। तो इधर डस्टबिन लेने आ गई थी, तो हम डस्टबिन दे दिए हैं। और आज जो है मेरा घर का पीछे तरफ का जो गेट है, मैं आज ये गेट खोली हूँ, तो इधर से हम डस्टबिन दे दिए। तो आज मैं ना क्या है अभी अभी तो अंश का स्कूल जाने का भी काफ़ी टाइम है, 9 बजे तक स्कूल जाएगा, तो तब तक हम सोचे चलो तो तब पाइप लगा के जो है बाहर में धो देती हूँ। तो बाहर का जो मतलब कुछ कुछ मेरे पास प्लांट है गमले में, गुलाब है, डलिया है, और भी बहुत सारे फूल है, तो सब में पानी डाल दी हूँ। और थोड़ा साग भी लगाई हूँ, पालक है, धनिया है, तो सब में पानी डाल देंगे। और बाहर का भी पोर्शन जो है
सब फ्लोर सब धो देंगे, काफ़ी दिन से नहीं मतलब धोई हूँ पानी से, तो आज पाइप जब लगाई हूँ तो हम सोचे चलो सब तरफ से साफ सफाई अच्छे से साफ सफाई कर लेती हूँ। अभी ज़्यादा टाइम भी नहीं हुआ है, अभी अंश का भी स्कूल जाने में टाइम है। तो इधर देखिए अंश भी रेडी हो गया है, तो अंश बोला मामा मैं जल्दी जा रही हूँ, जल्दी जाऊँगा स्कूल क्योंकि थोड़ा खेलेंगे, क्योंकि ये ना अभी क्या है फुटबॉल खेलता है स्कूल में, तो अभी ज़्यादा टाइम नहीं हुआ। अभी देखिए अभी 7:45 ऐसे बज रहा है, स्कूल 9 बजे से है, लेकिन 1 घंटा पहले ही चला गया क्योंकि वो फुटबॉल में पार्टिसिपेट किया है, तो फुटबॉल खेलना है इसीलिए चला गया। तो उधर अंश को हस्बैंड जी स्कूल छोड़ के आ गए, और हस्बैंड जी आने के बाद अपना देखिए मैं तो पाइप लगाई हूँ, बोले दो हम भी अपना कार धो लेते हैं, तो हस्बैंड जी अपना कार को सब धो रहे हैं पाइप से। उसके बाद देखिए अब मैं अंदर आ गई हूँ, तो अभी तो 8 ही बजा है और ठंड भी काफ़ी ज़्यादा है, तो अभी तो मैं मतलब अभी काफ़ी टाइम है, तो मैं चलो आज थोड़ा किचन का भी साफ़ सफाई कर लेती हूँ साथ में, तो बस किचन का थोड़ा पूरा गैस जो काउंटर है अच्छे से अभी सफाई कर लेती हूँ। वैसे तो मैं रात में साफ सफाई कर लेती हूँ, फिर अभी सुबह अभी नाश्ता बनाई हूँ तो पूरी उरी बनाए थे, तो थोड़ा सब तेल उल पड़ा हुआ छीटा पड़ा है तो सब पोंछ लेती हूँ, और ये जो तेल का जो कंटेनर है ये सब डब्बा वब्बा है तो सबको थोड़ा हल्का हाथ से मैं हल्का हल्का से पोंछ देती हूँ। तो मैं हफ्ते में 10 दिन में 1 दिन में सबको पोंछ देती हूँ, तो क्या होता है ज़्यादा गंदा नहीं होता है, बस हल्का फुल्का ही थोड़ा सा तेल चिपका रहता है तभी साफ़ हो जाता है, और अगर ज़्यादा दिन के लिए छोड़ देंगे महीनों भर के लिए तो क्या होता है काफ़ी ज़्यादा मतलब तेल का जो है तेल का चिपचिपाहट हो जाता है और काफ़ी ज़्यादा मेहनत पड़ जाता है, तो इसीलिए अगर थोड़ा सा अगर साफ़ कर दिया जाए तो ज़्यादा मेहनत नहीं पड़ता है। तो मैं बस अक्सर बीच बीच में मैं एक गीला कपड़ा से पोंछ देती हूँ। और इधर देखिए ये गिलास में 2 गिलास में मैं ना मनी प्लांट लगा के रखी हूँ, तो इसमें थोड़ा कुछ कलरफुल जो पत्थर होता है वो मैं डाल दी हूँ, और एक मैजिक जो होता है मैजिक बॉल एक गिलास में वो डाली हूँ, तो मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किचन में थोड़ा सा डेकोरेट करके रखने से, मनी प्लांट प्लांट डालने के रखने के बाद क्या होता है मन में अच्छा सा सुकून आता है, मतलब काफ़ी अच्छा लगता है किचन में थोड़ा डेकोरेट रहता है तो खाना बनाने में काफ़ी मन लगता है, और किचन आने पर जो होता है ना देखने के बाद मन में अच्छा सा खुशी मतलब आती है, मुझे काफ़ी अच्छा लगता है किचन में सब लगाने में मनी प्लांट प्लांट, तो मैं किचन में अक्सर मनी प्लांट रखती हूँ। तो इधर सारा डब्बा डब्बा पोंछ दिए, इधर जो है ये जो पानी का केटल है इसको भी साफ़ कर दी हूँ अच्छे से, और इंडक्शन भी पोंछ दिए हैं। तब तक इधर देखिए ये वाला जो सेल्फ में मेरा जो मतलब दाल चीनी का मतलब कैन सब रहता है तो इस सबको भी थोड़ा साफ़ कर देंगे, तो पहले चीनी ख़त्म हो गया था डब्बा में, तो पहले चीनी को हम फिल कर दिए है ये चीनी का कैन में, तो बाकी का जो भी कैन है ये सब भी अभी साफ़ ही है, ज़्यादा गंदा नहीं है। तो फिर भी जब अभी काफ़ी ज़्यादा टाइम है तो जब मैं काम पूछ के मतलब तो साफ़ सफाई जब कर ही रही तो इस सबको भी साफ़ कर देती हूँ कैन सबको भी, तो अभी ज़्यादा गंदा भी नहीं है तो अभी कर देती हूँ, तो बस हल्का हाथ से थोड़ा सबको मतलब कपड़े से पोंछ दी हूँ। और मैं भी काफ़ी खुश रहती हूँ साफ़ सुथरा देखकर, मेरा भी मतलब मन को काफ़ी शांति मिलता है, तो ये मेरा आदत है कि मैं हमेशा किचन को साफ करती रहती हूँ। तो उसके बाद देखिए हम नहा धो के रेडी हो गए हैं अब मैं, और आज मैं एक येलो साड़ी पहनी हूँ, बहुत दिन बाद आज मैं साड़ी पहनी हूँ। तो इधर पूजा पाठ सब हो गया है, और उसके बाद में
उसके बाद पूजा पाठ करने बाद तो नाश्ता वास्ता हम कर लिए थे, तो बस उसका वीडियो हम शूट नहीं किए थे। नाश्ता वास्ता करने के बाद अब मैं किचन आ गई हूँ। नाश्ता करने बाद 1 घंटा बाद मैं किचन आई हूँ। अभी टाइम हो रहा है दोपहर का, 12 बज रहा है, तब मैं खाना बना रही हूँ। तो खाना मैं बना रही हूँ, देखिए ये छोला, ये काले वाला जो चना था, चना सब्जी और फ्राइड राइस और पालक पकौड़ी। पालक पकौड़ी आज मैं बना रही हूँ, किस तरह से आप लोग देखिए आगे चलकर। आज पालक पकौड़ी भी मैं अलग तरीके से बना रही हूँ। तो तब तक उधर देखिए हम मशीन में कपड़े भी डाल दिए थे, तो बस मशीन एक राउंड मतलब चला लिए थे, तभी हम ऑफ कर दिए, फिर कुछ देर बाद आकर ऑन कर देंगे। तो फिर आ गई हूँ किचन। तो अब मैं झटपट से अभी सब्जी बना लेती हूँ। पहले तो पहले कुकर में डाल देंगे तेल, सरसों का तेल। और देखिए हम कुछ आपसे मतलब बातें कर रहे थे, बस यही बता रहे थे कि आज हम बहुत दिन बाद साड़ी पहने हैं, बस यही आपसे बता रहे थे। लेकिन हम साउंड को म्यूट कर दिए थे क्योंकि थोड़ा सा साउंड आ रहा था साइड से, मेरे हस्बैंड जी टीवी देख रहे थे, बस टीवी का साउंड काफ़ी ज़्यादा आ रहा था, तो इसलिए हम साउंड ऑफ कर दिए थे, मतलब म्यूट कर दिए थे। तो इधर हम सब्ज़ी बना लेते, तो इधर तेल डाल दिए थे, उसमें थोड़ा फूरन में जीरा डाल दिए हैं, और तो सबसे पहले प्याज डाल देती हूँ। तो चलिए अब मैं नहीं बता रही हूँ, आप लोग देखते रहिए, मेरे साथ बने रहिए। खराब हो गया पापा का चार्जर वाला, लगता है पहले भी हुआ था ना। तो देखिए उधर मेरा सब्जी बन गया। अब एक साइड कुकर में बना लेती हूँ फ्राइड राइस। तो एक मेरे पास 2 कुकर है, तो एक कुकर में सब्जी बना ली थी, अब दूसरे वाले कुकर में फ्राइड राइस बना लेंगे। तो इधर कुकर चढ़ा दिए, तो इसमें डाल देंगे 2 चम्मच भर के घी। और देखिए ये वाला जो हम फ्राइड राइस बनाने वाला जो वीडियो है ना, देखिए मेरा मोबाइल जो है मुझे नहीं पता चला, मतलब नहीं दिखा था, मतलब पूरा नहीं आया है, बस थोड़ा सा ऊपर पोजिशन में आया है, पूरा फुल नहीं आया था। तो इधर देखिए मेरा सब्जी भी बन गया है। तो इधर हम फ्राइड राइस भी मतलब डाल दिए थे, काजू किशमिश जो खड़ा मसाला सब डाल दिए थे। तो मेरा फ्राइड राइस भी बन गया। तो इधर पूरी भी मैं थोड़ा छान के रख दी। आज देखिए पालक पकौड़ी बना रही हूँ। आज मैं पालक पकौड़ी तो आप लोग बहुत बार बनाए, इस तरह से शायद ही आप लोग बनाए होंगे। पूरा जो पत्ता है काटना नहीं है, धो लेना अच्छे से, उसके बाद बेसन में लपेट के उसके छान लिए। तो फिर अब मैं अपनी ब्लॉग को एंड कर रही हूँ। उम्मीद करती हूँ आप सबको अच्छा लगा होगा। तो फिर आप लोग से मिलेंगे अच्छे से ब्लॉग के साथ, फिर मिलेंगे, बाय, टेक केयर।